ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत। कर्नाटक में सिद्धारमैया ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज 12:30 बजे उन्हें पद की शपथ दिलाई। उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर डीके शिव कुमार और 8 विधायक मंत्री ने भी पद की शपथ ली। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेना शुरू कर दिया है, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। आरबीआई ने फिलहाल 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंक में बदलवाने या अकाउंट में जमा कराने को कहा है। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए की कीमत के नोट ही बदले जाएंगे। एलजी और दिल्ली सरकार की लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली सरकार की याचिका पर 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे, लेकिन 7 दिन बाद 19 मई को केंद्रीय सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का ही होगा, इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। अब 20 मई यानी आज केंद्रीय सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और 5 जजों के बेंच के फैसले पर फिर से विचार करने की अर्जी लगाई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में एलओसी पर शनिवार को एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि घुसपैठिए को मेंडर सब डिवीजन के बालाकोट सेक्टर में तैनात जवानों ने ढेर किया है, जब वह सीमा पार से इस तरफ घुसने की कोशिश कर रहा था। शुक्रवार शाम 2000 के नोटों की नोटबंदी होते ही लोग उनके पास रखे नोटों को ठिकाने लगाने लग गए हैं। गुजरात के बाजार में लोग इनके एवज में सोना चांदी खरीदने पहुंचे। 2000 के नोट में भुगतान कर सोना चांदी खरीदने वाले को 8 से 10 हजार रुपए ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। बाजार के जानकारों ने पहचान छिपाने की शर्त पर बताया कि 10 ग्राम सोना खरीदने पर 5 से 10 हजार रुपए अधिक लिए गए, यानी प्रति 10 सोने। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 की बैठक होनी है। चीन ने शनिवार को इसमें शामिल होने के लिए इनकार कर दिया है। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आज अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 8 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने शिकायतकर्ता को सबूत के साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। आज की सुनवाई के बाद कोर्ट तय करेगी कि तेजस्वी यादव को समन भेजा जाए या नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता दीप कंबोज सहित 4 नेताओं के खिलाफ राजस्थान के श्री गंगानगर थाने में एक महिला द्वारा शारीरिक शोषण की शिकायत देकर FIR दर्ज कराई गई है। जापान के हिरोशिमा शहर में G7 की बैठक शुरू होने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान वो वर्ल्ड लीडर के बीच मोदी से मिलने उनकी सीट तक आए और उन्हें गले लगाया। दोनों नेता थोड़ी देर बाद क्वाड देशों की बैठक में शामिल हुए। अमेरिका की सरकार एक ऐसे मामले की जांच करेगी जिसमें उनकी सेना पर अलकायदा लीडर के बजाय एक गरीब किसान को मारने के आरोप लगे हैं। सेना ने ये स्ट्राइक 3 मई को सीरिया के कुरकार्निया गांव में की थी, जिसमें अलकायदा लीडर की बजाय एक गरीब किसान के मरने की रिपोर्ट है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव रविकांत जोधपुर दौरे पर है। उन्होंने शनिवार को डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज से संबद्ध 3 अस्पतालों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में अब वापस गर्मी बढ़ने लगी है। गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में दिन का तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। वहीं आज का जोधपुर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जयपुर के सचिवालय के ठीक पीछे योजना भवन के बेसमेंट की बंद पड़ी अलमारी से 2.31 करोड़ रुपए से ज्यादा की नगदी और 1 किलो सोना बरामद हुआ है। पुलिस ने नगदी और सोना जब्त कर लिया है।
जयपुर में एक 9 साल का बच्चा खेलते हुए 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। मासूम बोरवेल में करीब 70 फीट की गहराई में फंस गया। बच्चे को निकालने के लिए करीब 4 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें शामिल होने के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार SBI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर 5 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अजमेर में एक अर्धनग्न युवक के मंदिर में घुसने को लेकर हंगामा हो गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के पहुंचने पर कपड़े पहनाकर बाद में रस्सियों से बांध दिया। मौके पर पहुंची पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि युवक मानसिक रूप से विकसित है। NCB के जोनल अधिकारी रहे समीर वानखेड़े CBI दफ्तर पहुंचे। मुंबई के BKC स्थित CBI दफ्तर पर सुबह 11 बजे से उनसे पूछताछ चल रही है। उनसे आर्यन खान केस और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर पूछताछ चल रही है। CBI का आरोप है कि समीर ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे थे। बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना के पिता पी खुराना का मोहाली की प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम के चलते 2 दिन पहले ही मोहाली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार को दोपहर बाद को उनकी बॉडी मोहाली से हरियाणा के पंचकुला में सेक्टर 6 स्थित घर लाई गई। शाम को उनका शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के मौजूदा सीजन में पंजाब का सफर समाप्त हो गया है। शिखर धवन की कप्तानी वाली टीम को शुक्रवार रात संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने 66वें मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ पंजाब प्ले ऑफ की रेस से बाहर होने वाली तीसरी टीम बनी, जबकि राजस्थान ने अपने टॉप 4 में पहुँचने की उम्मीदें कायम रखी है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल मंथन चैनल को। धन्यवाद।